वेलकम व्यूवर्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कोरोना वायरस के पैंडामिक के सिचुएशन में डेली लाइफ में आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसके बारे में होने वाली है ये वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ये जो वायरस है वो कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर हम इसे सनलाइट में कुछ देर तक रखें तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसे सनलाइट में रखें और फिर यूज़ करें, तब आप एक चीज़ कर सकते हैं, तब आप वार्म वाटर में बेकिंग सोडा डालकर उस वाटर से अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कर सकते हैं, जिससे वो डिसइंफेक्ट हो जाए। मगर ये बात याद रखिए कि आपको सैनिटाइजर का यूज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सैनिटाइजर सिर्फ मेटालिक सरफेस और बॉडी सरफेस पर यूज़ करने के लिए होता है, और आपको इसका यूज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो आपको दो चार घंटों से ज़्यादा खुले में नहीं रखनी चाहिए, तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको इन दिनों खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी समर टाइम चल रहा है, तो समर में टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसी चीज़ें खुले में रखेंगे तो वो चीज़ें खराब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप बाहर से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे तो उसे घर में लेने से पहले उसे आप अच्छे से वॉश कर ले और फिर ही फर्दर उसका यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद जो वो पैकेट है उसे इमीडिएटली डिस्पोज कर दे। देखते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक के जो मेटालिक कैन होते हैं उससे हम कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो लैब रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला है कि जो वायरस है वो प्लास्टिक और मेटालिक कैन पर 24 to 48 hours तक जिंदा रह सकता है। तो जब भी आप ऐसा कोई प्लास्टिक और मेटालिक कैन परचेस करेंगे तो आपको उसे डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए, आपको कुछ टाइम के लिए उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखना चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसे सोपी वाटर से वॉश कर सकते हैं और फिर आप उसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप बाहर से कोई भी फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको बाहर से इस टाइम पर अभी तो फूड बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाहर से कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं और उस फूड ऑर्डर करते वक्त अगर फूड बनाने वाले में से और फूड डिलीवर करने वालों में से अगर एक को भी ये इन्फेक्शन हुआ होगा तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो मैंने इसलिए कहा कि इस वक्त आपको बाहर से कोई भी फूड ऑर्डर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आपको बाहर से फूड ऑर्डर करना पड़ रहा है, तो ऐसे वक्त आपको जब भी आप डिलीवरी रिसीव करेंगे तो उस डिलीवरी को आपको कुछ टाइम के लिए बाहर रखना चाहिए, सनलाइट में रखना चाहिए ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, और इमीडिएटली उसे डिस्पोज कर देना चाहिए जो कि वो प्लास्टिक मटेरियल हो, और कोई भी वो जो पैकिंग हो उसे आपको इमीडिएटली डिस्पोज कर देना है। अब हम बात करते हैं कि मेडिसिन स्ट्रिप्स कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि आपको मेडिसिन स्ट्रिप्स सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन स्ट्रिप्स डायरेक्टली सनलाइट में रखेंगे तो कुछ मेडिसिन ऐसे है जो सनलाइट से सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे केस में आपकी मेडिसिन की जो इफिशेंसी है वो कम हो सकती है। तो इसके लिए आपको मेडिसिन स्ट्रिप्स सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अब हम मेडिसिन तो डायरेक्टली वॉश नहीं कर सकते, तो हम वो जो मेडिसिन है उसे हम जब रिसीव करते हैं तो उस मेडिसिन के बॉक्स को हमें कुछ टाइम के लिए किसी जगह पर आइसोलेटेड रखना है, उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी के बारे में। हालांकि हम नोट्स और कॉइन्स को डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बिल्कुल भी डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन सकते हैं, जिसके वजह से हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो करेंसी है वो बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आती है और इसके वजह से भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपनी सेफ्टी के लिए हम ग्लोव्स पहन सकते हैं, जिसके वजह से
हमें इन्फेक्शन ना हो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फार्म बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।